हरियाणा की सियासत में हर पल राजनीति के लिहाज से ऐसी खबरें सामने आने लगी है जिससे न केवल राजनीतिक पार्टियों में खलबली का आलम है बल्कि इन पार्टियों से जुड़े उन लोगों के मंसूबों को भी झटका लगता दिखाई देता है जो चुनावी अखाड़े में दमखम के साथ उतरने की तैयारी में लगे हुए हैं। बड़ी खबर ये है कि बुधवार को हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष सुभाष बराला ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे लगने यही लगा है कि मानो अब बादल और मोदी के बीच संबंधों में खटास आने लगी है। बेशक बराला ने भी यह जोड़ा है कि बादल से राजनीतिक संबंध तो है लेकिन प्रदेश के चुनाव को लेकर टिकटों पर अभी पार्टी ने कोई निर्णय नहीं लिया है। बुधवार को सिरसा के पंजाब पैलेस में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला पहुंचे। यूं तो इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल के नेता भी मौजूद थे मगर पत्रकारों ने जब हरियाणा में भाजपा और सीएत के समझौते के बारे में पूछा तो बराला ने साफ मना किया कि फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। आइए सुनते हैं कि बराला ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया। देखिए, अभी तक किसी तरह के गठबंधन की कहीं कोई बात नहीं है और जब कोई इस प्रकार की चर्चा आएगी तब उस पर देखेंगे। आज के दिन ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है। देखिए अभी अकाली दल के वरिष्ठ नेता चौधरी वीर वांझी मेहता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, लोकसभा चुनाव में डट करके साथ हुआ हमारा। लेकिन अभी कौन कहाँ सीट पर लड़ेगा समझौते की या इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा हुई नहीं है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्वाभाविक सा राजनीतिक मित्र बहुत लंबे साल तक इस देश के अंदर रहा है। बैठक हुई थी अकाली दल भाजपा के पास चुनाव में? नहीं, ऐसी कोई संयुक्त बैठक हमारी नहीं हुई। जब होगी तब आपको बताएंगे। देखिए, जब बात होगी तब आपको बताएंगे। सहयोगी तो हैं चुनाव, देखिए सहयोगी हमारे आज के दिन वो हैं। अब चुनाव गठबंधन में लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी बैठ करके फैसला करेगी, तब कोई बात आपके सामने रखेंगे। भले ही बराला ने इशारों में यह साफ कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शायद भाजपा का समझौता किस दिशा में कहां तक बढ़ता है इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और न ही टिकटों को लेकर कोई मीटिंग हुई है, इससे जाहिर है कि कहीं ना कहीं मोदी और बादल के बीच हरियाणा के लिहाज से कुछ ठीक नहीं है। सूबे की राजनीति में इस बात की भी चर्चा है कि मोदी और बादल के बीच दूरी का केवल एक ही कारण हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी स्नेहलता की श्रद्धांजलि सभा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि चौटाला परिवार एक हो जाए तो सरकारें उनके कदमों में दिखाई देगी। माना जा रहा है कि शायद इसी बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी और बादल के बीच फासला बढ़ता नजर आ रहा है। सुनिए बादल ने क्या कहा था उस वक्त। पाहे इन्हां दी पकड़िए सिर दीजिए पाई न छोड़िए। अज भी चौधरी साहब नाल चौटाला साहब नाल जो बंदे खड़े हैं परिवार खड़े हैं वो इन्हां दी वड्डी तो वड्डी कुर्बानी वास्ते इन्हां दे कर सकते। पता नहीं ये गल मैनू इत्थे आखनी चाहीदी है कि नहीं, लेकिन मैं एक बेनती करदा के सौ सरकारां तुहाडे कदम चुमणगियां। चौधरी साहब जी सारिआं नूं इकट्ठे कर हत्थ फड़ के मेरी बेनती है कि इन्हां गल्लां 'च है कोई बन गया ना बन गया, पर अज चौधरी देवी लाल जी नूं ते माता जी नूं वड्डी श्रद्धांजलि यही होगी कि भावें कुरबानी किसे नूं देनी पए। देखो, परिवार की इज्जत चौधरी देवी लाल की इज्जत सब तो महान है। तो सुना आपने कि बादल कैसे मुखर होकर जहां चौटाला परिवार को एकजुट करने के लिए कितनी बड़ी बात बोल गए हैं, मगर इसी हकीकत VO3। तो सुना आपने कि बादल कैसे मुखर होकर जहां चौटाला परिवार को एकजुट करने के लिए कितनी बड़ी बात बोल गए, मगर इसकी हकीकत किस रूप में और कैसे सामने आएगी इसका सभी को इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा, सिरसा।